नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा नुस्खा लेके आऊँ जिसके इस्तेमाल से दोस्तों आपके जिद्दी सफ़ेद बाल जड़ से काले होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़े दिखे और आपसे मेरी छोटी सी विनती है, यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इसी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों सफ़ेद बालों की परेशानी आज की डेट में हर एक महिला और हर एक युवक के साथ देखी जाने लगी है। इस परेशानी के कुछ मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है अधिक मात्रा के अंदर अनहेल्दी डाइट करना, जिसके अंदर दोस्तों हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और जिसकी वजह से दोस्तों आपके सफेद बालों को प्रोटीन नहीं मिल पाता और उसी की वजह से दोस्तों आपके सफेद बाल आना निश्चित होता है। दूसरा कारण होता है सिगरेट और दारू का सेवन करना, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर गंदे टॉक्सिन पैदा होने लगते हैं और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और उसी के चलते दोस्तों आपके बालों को पोषक नहीं मिल पाते हैं और उसी की वजह से दोस्तों आपके सफेद बालों की समस्या आना निरंतर रूप से होता है। तीसरा कारण होता है अधिक मात्रा के अंदर केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, जैसे कि हेयर जेल, हेयर क्रीम, जिसकी वजह से दोस्तों वो जितना भी केमिकल होता है वो आपके बालों में समा जाता है और उसी की वजह से दोस्तों आपके सफ़ेद बालों की समस्या आना निश्चित होता है। दोस्तों अब आपको इसके अंदर सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो लेना है वो है दोस्तों हमारा ये, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करने के लिए जितनी मात्रा में मैं चीज़ ले रहा हूँ आपको भी उतनी ही मात्रा में चीज़ें लेनी है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको लेना है हमारा ये रीठा पाउडर। रीठा पाउडर के अंदर दोस्तों कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, जो गुण पाए जाते हैं नेचुरल, जो कि दोस्तों आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काले करने में सहायता करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये आपके बालों के झड़ने से रोकता है, आपके बालों में से डैंड्रफ को ख़त्म करता है। तो आपको करना है क्या, इतनी सी मात्रा में ये ले लेना है रीठा पाउडर। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर आपको लेना है थोड़ा सा ये है दोस्तों हमारा काला तिल। काले तिल के अंदर दोस्तों कुछ ऐसे गुड़ पाए जाते हैं, इसके अंदर कैफीन पाया जाता है, इसके अंदर एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और एंटी फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक और विटामिन ई पाया जाता है, जो कि दोस्तों आपके सफ़ेद बालों को तो जड़ से काला करता ही है। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारी अन्य तरह का बीमारी से भी निजात दिलाता है। तो आपको करना क्या है, इतनी मात्रा में से काला तिल ले लेना है इसके अंदर। और आपको इसके अंदर लास्ट और आखिरी इंग्रेडिएंट जो लेना है वो है दोस्तों हमारा ये कोकोनट ऑयल। कुछ इस प्रकार से आपको ये ले लेना है जिससे कि आपका ये नुस्खा बन जाए। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको ये ले लेना है। अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो अब आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से चला लेना है। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से चला लेना है। चला लेने के बाद दोस्तों यह नुस्खा आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। तो आपको करना क्या है, आपको इसे धूप के अंदर 20 मिनट तक के लिए यूं ही छोड़ देना है, और जब ये नुस्खा अच्छे से पक जाएगा धूप से पकने के बाद आपको इस नुस्खे को अपने बालों में लगाना है, और आपको इस नुस्खे को रात को लगाना है या आपके पास जब भी फ्री टाइम है इसे नुस्खे को जब लगाना है। तो आपको इसे जैसे आप नॉर्मल अपने बालों में हेयर मास्क लगाते हैं वैसे ही आपको इस नुस्खे को लगाना है और पूरी तरह से हल्के हाथ से मसाज करने अपने बालों की जड़ों में, जिससे कि दोस्तों ये नुस्खा आपके बालों में अच्छे से कर सके वर्क। और आपको इस पूरे नुस्खे को कम से कम हफ्ते में 2 बार यूज़ करना, और इस नुस्खे को आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने यूं ही इस्तेमाल करना है। 1 हफ्ते यूं ही इस्तेमाल करने के साथ ही दोस्तों आपको देखेंगे आपके जिद्दी सफ़ेद बाल जड़ से काले हो चुके हैं और आपके बालों के टूटने झड़ने की समस्या से भी निजात पा चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपको फैमिली फ्रेंड्स या मित्र इस परेशानी से जुड़ रहा हूँ उन बाइक साथ भी व्हाट्सअप पर फेसबुक शेयर कीजिए। धन्यवाद।